24 दिसंबर के बाद अफसोस, मनोज जारंगे पाटिल ने सरकार की ओर किया इशारा। मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारंगे पाटिल पिछले दो महीने से सुर्खियों में हैं। अंतरवाली सराती में पुलिस की पिटाई के बाद वह सामने आया। विधानसभा में गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के बड़े ऐलान के बाद जारंगे पाटिल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर अपराध वापस नहीं लिए गए तो देवेंद्र फडणवीस फिर बेनकाब हो जाएंगे। उन्होंने ये भी संकेतात्मक बयान दिया है कि अगर 24 दिसंबर तक मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिला तो सरकार को पछताना पड़ेगा। जारंगे पाटिल ने मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि सरकार आरक्षण के मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है, लेकिन उनका 100% कहना है कि मराठा आरक्षण दिसंबर तक मिल जाएगा। हमारे बच्चों का भविष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमारे द्वारा पाले गए नेता हमारे खिलाफ होने लगे तो हम जल्द ही उन्हें पैरों तले कुचल देंगे। महाराष्ट्र में मराठा क्या है, वे इस पर गौर करेंगे। हम इस बात पर करीब से नजर रख रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। हमारा फोकस इस पर है कि अपराध वापस लेने को लेकर हमसे क्या वादे किए गए, आरक्षण को लेकर क्या वादे किए गए, इसलिए हमें पश्चाताप व्यक्त करना होगा। भले ही मेरा मराठा समुदाय गरीब है और खेतों में रहता है, फिर भी सरकार और जनप्रतिनिधि इस पर पूरा ध्यान देते हैं। एक बार 24 दिसंबर की समय सीमा बीत जाने के बाद इसे जाने दें। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय क्या है, उन्हें ये दिखाओ। सरकार को जो समझाना चाहिए वो बताएं। हमारे संयम की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन आइए कुछ ऐसा करें जिससे सरकार को पछताना पड़े। छगन भुजबल आज इंदापुर में बैठक कर रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें बैठक करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें भारतीय टकराव नहीं पैदा करना चाहिए। भुजबल संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, वे वरिष्ठ नेता हैं। उनके जैसे नेताओं को दंगे और कुल्हाड़ी गाय की भाषा का प्रयोग कर प्रदेश में जाति संघर्ष नहीं कराना चाहिए। उन्हें मराठा आरक्षण के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वरना मैं उन्हें बाद में दिखाऊंगा।